तुम लोगों को मिलता क्या है यार ये गाली वाली बकने से? मुझे बताओ ना, तुम लोगों को पैसे कितने मिलते हैं? 5 रुपए मिलते हैं, 10 रुपए मिलते हैं? 1 रुपया मेरे से दे दिया करो गाली नहीं बकने के लिए, मैं दे दूंगा तुम लोगों को। क्यों अपनी जबान खराब करते हो तुम लोग? और मेरा ये वीडियो तो आज की तारीख में मोदी जी के लिए है, साफ साफ। मोदी जी, हमने आपको वेलकम करते हैं अमेरिका में और आपके भक्त हमें गालियां बकते हैं। अब आप अमेरिका आ रहे हैं, आप यहाँ के युवाओं को जानते हैं, खूब मिल चुके हैं। आप सिलिकॉन वैली भी गए थे पहले, न्यूयॉर्क भी गए थे, और अब आप ह्यूस्टन आ रहे हैं। आप यहाँ के भी युवाओं को देख रहे हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा अपना देश तरक्की क्यों नहीं कर सकते और आपके 18 घंटे कैसे फेल होते हैं। ये आपके 18 घंटे की मेहनत ये लोग फेल करने के लिए बैठे हैं। ये महान निकम्मे लोग हैं सर, और ये आपके लिए बोझ बन चुके हैं। और जो अच्छे दिन की आपने बात की थी ना, वो बिल्कुल सही कही थी, मैं बोल रहा हूँ आज, मगर अच्छे दिन उन्हीं के आएंगे जो मेहनत करेगा। ये मेहनत तो करते नहीं। और ना मोदी जी, आज की तारीख में इन लोगों ने ऐसा कोई भी वो काम किया है जो आपने प्रमोट करने की कोशिश की है इंडिया में? न स्वच्छ भारत में, न डिजिटल इंडिया में, न स्टार्टअप इंडिया में, कुछ नहीं है। ये वो लोग हैं मोदी जी जिन लोगों के अपने घर में अब कोई वजूद नहीं है। ये चौराहे पे भी जाते हैं तो पान बीड़ी की दुकान वाले से मुंह छुपा के जाते हैं, क्योंकि पहले दिन का 17 रुपए का उधार इनसे चुकता नहीं है। और ये खुद बोलते हैं कि घर घर मोदी। अब अगर घर घर मोदी हैं तो आपको पूरा हक बनता है इनके कान के नीचे 2-4 लगाने का, क्योंकि अपने बाप की भी नहीं सुनते, अभी आप ही की सुनेंगे। और ये युवाओं का देश है। और मुझे तो इतना डाउट हो गया है कि आज की तारीख में, कि ये पता था आप लोगों की कैलकुलेशन में कि 31% बेवकूफ है, अगर उनको इकट्ठा कर लोगे तो चुनाव जीत जाओगे, और यही हुआ। और असल बात यही है, 31 में से नहीं तो 29 होंगे, 29% तो हैं ये बेवकूफ जाहिल जो सब आपके आसपास बैठ गए, और ये आपका नाम खराब करते हैं। आपकी फोटो लगा के, श्री राम की फोटो लगा के ये लोग गालियां बकते हैं लोगों को। इनको महिलाओं की भी इज्जत नहीं करते, और करेंगे भी क्यों, करेंगे भी क्यों, क्योंकि अपने देश में तो एमपी एमएलए बड़े बड़े पकड़े जा रहे हैं बलात्कार में, अपनी बेटियों की उम्र के बलात्कार में पकड़े जा रहे हैं। तो ये लोग मोदी जी एक सामाजिक बलात्कारी हो चुके हैं। एक तो होता है शारीरिक, ये है सामाजिक बलात्कारी, जिनका आर्थिक बलात्कार बहुत पहले हो चुका है। तो अब इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है। ये आप पे बोझ है, ये देश पे बोझ है। मैं कई बार बोल चुका हूं मोदी जी, आप 31% में से कैलकुलेट कर लो ये कितने इनकम टैक्स देते और कितने नहीं देते, वहीं से शुरुआत कर लो। हम आपको गारंटी करते हैं 25% ये इनकम टैक्स चोर हैं, आपके जितने भी सपोर्टर हैं, गारंटी है। देश आज उनकी वजह से चल रहा है जो मेहनत करते हैं। और मैं एक चीज और बता दूं तुम लोगों को भक्तों, मुझे गाली बक के क्या हासिल हो जाएगा? मोदी जी को सब लोग गाली बकते हैं, मोदी जी को भी फर्क पड़ता है क्या? कुछ नहीं पड़ता। शहीद आजम को पढ़ा था? कुछ नहीं पढ़ा था। चंद्रशेखर को पढ़ा था क्या? कुछ नहीं पढ़ा था। अंग्रेज गाली बकते थे उन लोगों को। गांधी जी को पढ़ा था क्या? कुछ नहीं पढ़ा था। ऐसे ही हम लोगों को भी नहीं पढ़ता, और हम जैसे ऐसे बहुत है हिंदुस्तान में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी गाली से, क्योंकि तुम लोग एक हारे हुए निकम्मे लाचार एक प्रजाति हो, मॉडल जिस तरह गुजरात मॉडल था ना, वैसे तुम 2014 के बाद एक अलग से मॉडल निकल के आए। मैं तो इसको जात गिनता हूं, अब भक्त को एक तरह की जात गिनता हूं। जहां इतनी सारी जातें हैं, 6000 जातें हैं, वहां एक और सही, तो ये भक्त जात हो तुम लोग। तुम लोग कोई ब्राह्मण नहीं हो, तुम लोग कोई हिंदू नहीं हो, कुछ नहीं हो, तुम अलग जात हो। और हम जो हिंदुस्तान के हिंदुओं में और तुम लोगों में यही बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि तुम लोग भाजपा के हिंदू हो और हम लोग हिंदुस्तान के हिंदू हैं। ये सुन लो, और मैं तो आज की तारीख में मोदी जी को यही बोलूंगा, मोदी जी आपको 18 घंटे इन लोगों के लिए काम करने की जरूरत नहीं है, इनका कुछ नहीं होगा। इनका ना पहले हुआ था, ना आज होगा, और ना कल होने वाला है, 101% आप लिखित में ले लीजिए। हम भी राजनीति समझते हैं मोदी जी, हमें भी 30 साल हो गए, ये जितने आसपास के आपके बालक हैं ये तो पैदा भी नहीं हुए थे तब से जानते हैं। पर ये बदतमीज है, न्याय बोलते कमजोर लोग हैं, ये कौम बोल सकते हैं, अभी कौम ही हो गई एक तरह से, जात है, कौम है, एक समाज है, अलग सा भक्त समाज। इनको महिलाओं का डर नहीं है, और रहेगा भी कैसे, रहेगा भी कैसे? वर्तमान सरकार के एमपी एमएलए पकड़े जा रहे हैं बलात्कार के इश्यू में, तो इनको भी नहीं, इनको लगता है कि बहुत आसान है बलात्कार करना, और ये लोग ही समाज का बलात्कार कर रहे हैं, और कल ये लोग ही शारीरिक जो भी बलात्कारी है, हम आपको गारंटी करते हैं मोदी जी, जितने भी बलात्कारी आज की तारीख में पकड़े गए देश में पिछले 7 साल में, 6 साल में, 5 साल में, 75% आपकी पार्टी के सपोर्टर है, क्योंकि आप भारी बहुमत से जीते थे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उन्होंने भाजपा को वोट नहीं दिया, उन्होंने दिया वोट और फिर उन्होंने बलात्कार करा दी महिला का। तो ये बहुत जरूरी है आज की तारीख में ये बालकों को समझना। और दूसरा मोदी जी ये और बताता हूं, जो आदमी 3-3, 4-4 बजे उठ के सोशल मीडिया पे रात को गालियां बकता हो, आप उसकी मानसिक स्थिति देख लो, वो तो खो गया, खलास हो चुका है। इनको ये समझ नहीं आता कि दुनिया में एक ही सूरज है, जब वहां उगता है तो यहां ढलता है, जब वहां ढलता है तो यहां उगता है, समझ नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया।